हेलो, वेलकम टू संजीवनी डियर स्टूडेंट, दिस इज शेखा कुलश्रेष्ठ फॉर यू। आज हम अपनी ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस की सीरीज जो हमारी है उसका मैं आज 9th वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के संबंध में बताया था, कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस मैंने उसमें समझाई थी आपको। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस को लेकर है, और क्योंकि कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस में दो मुख्य तरह की डिवाइसेस रहती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुख्य रूप से उसमें मॉनिटर और प्रिंटर्स रहते हैं, और दोनों ही काफी बड़े टॉपिक हैं। इसीलिए मैंने इसको दो या तीन वीडियो में कवर करने का सोचा है, इसको अलग अलग दो या तीन वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पर्टिकुलर अबाउट फॉर मॉनिटर है, कंप्यूटर के मॉनिटर के संबंध में है आज की वीडियो। व्हाट इज द कंप्यूटर मॉनिटर एंड द टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर आज के वीडियो में हम समझेंगे। कंप्यूटर मॉनिटर्स क्या हैं, उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, उसके काम क्या हैं, वो सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम में ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, अपने रिव्यूज दो, अपने कमेंट्स दो। आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी विशेष विषय पर आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, तो मैं उस पर जो है एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। इससे पुरानी जो मेरी वीडियोज हैं उनको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उन वीडियोस को खोल सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दी होगी जहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम अपनी वीडियोस को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पर्सनल कंप्यूटर पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि कंप्यूटर बेसिकली दो मुख्य भागों से मिलकर के बनता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। और यहाँ पे अभी हम हार्डवेयर सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पांच प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर समझाए थे। यदि आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका जो है लिंक दिया है, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर, स्टोरेज हार्डवेयर, नेटवर्किंग हार्डवेयर, दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ हार्डवेयर जिनके विषय में मैंने आपको बताया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने इनपुट हार्डवेयर को समझाया था कि डिफरेंट टाइप्स के इनपुट हार्डवेयर मैंने आपको बताए थे, डिटेल में मैंने आपको समझाया था इनपुट हार्डवेयर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उन सभी को मैंने बताया था। और आज की वीडियो में हम आउटपुट हार्डवेयर को समझेंगे, आउटपुट हार्डवेयर क्या होते हैं। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, हमने कोई डेटा इनपुट किया थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट हार्डवेयर, हमने जो भी डेटा इनपुट किया है वो डेटा कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास में जाता है फॉर प्रोसेसिंग पर्पज, और प्रोसेस होने के पश्चात में जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वही कंप्यूटर का आउटपुट कहलाता है। सो व्हाट इज द आउटपुट, हम जो डेटा इनपुट करते हैं डेटा को प्रोसेस होने के पश्चात जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो जिन डिवाइसेस का उपयोग इस आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, या ऐसी डिवाइसेस जिनका उपयोग यूजर के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा प्रदत्त आउटपुट को यूजर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह सभी हार्डवेयर्स आउटपुट हार्डवेयर्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम अगर इस स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको कई प्रकार के कंप्यूटर आउटपुट हार्डवेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। इनमें जो है आपका जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, प्लॉटर्स है, स्पीकर्स है। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ आउटपुट हार्डवेयर जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर के साथ में उपयोग में लेकर के आते हैं। इनमें से भी अगर हम मुख्य रूप से देखें तो मॉनिटर एंड प्रिंटर दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आउटपुट हार्डवेयर जिनका हम यूज करते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, आज का मेरा ये जो वीडियो है, इट इज अबाउट द मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ऑल द थिंग्स अबाउट द मॉनिटर आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए। आगे देखते हैं हम इसमें। अगर हम टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कंप्यूटर आउटपुट जो होता है, कंप्यूटर आउटपुट यानी कि प्रोसेसिंग के पश्चात मिलने वाली इंफॉर्मेशन ही आउटपुट कहलाती है, और ये तीन प्रकार से रहती है आपकी, यानी कि जो कंप्यूटर ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है
वो यूजर तक तीन माध्यमों से पहुंचता है और उसी के आधार पर आउटपुट के टाइप होते हैं। तो एक कहलाता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट और एक कहलाता है ऑडियो आउटपुट। सो व्हाट इज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब होता है कि आप जो है कंप्यूटर में जो भी आप डेटा आपने इनपुट किया, प्रोसेस होने के पश्चात जो आपको आउटपुट प्राप्त हुआ, और वो आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके हाथ में नहीं है, आप उसको जो है अपने पेपर पे नहीं है आपके पास में मौजूद, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यू कैन फील द आउटपुट बट आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको फोल्ड करके जेब में नहीं रख सकते हैं, बैग में नहीं डाल सकते हैं। ऐसा आउटपुट जो कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। इसको या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को प्रस्तुत करने के लिए दो डिवाइसेज होती हैं, एक होती है मॉनिटर और एक होती है प्रोजेक्टर, जिसमें से मॉनिटर बहुत कॉमन आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्रोजेक्टर जो है बहुत रेयर आउटपुट डिवाइस है और स्पेशल पर्पज के लिए उपयोग में आती है प्रोजेक्टर। हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टर के संबंध में, मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। तो यहाँ पे अभी हम मॉनिटर को पढ़ेंगे। और हार्ड कॉपी आउटपुट की अगर अपन बात करें तो हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब होता है कि ऐसा आउटपुट जो आपके हाथ में आए, यानी कि स्क्रीन पे तो दिखाई दे, साथ के साथ में आप उसको ऑन पेपर अगर प्रिंट करके ले सकें तो ऐसा आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट प्रस्तुत करने के लिए हम प्रिंटर या प्लॉटर का उपयोग करते हैं। दीज आर द टू डिवाइस दैट यूज टू प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर और प्लॉटर। तो यहाँ पर प्रिंटर एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है आपका, ज्यादातर सभी लोगों ने उसका यूज किया ही होगा, प्रिंटर का उपयोग किया होगा या होते हुए देखा होगा। बट प्लॉटर इज अ स्पेशल पर्पज ऑफ आउटपुट डिवाइस, इट ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी जस्ट लाइक अ प्रिंटर, बट इस ये जो आउटपुट प्रस्तुत करता है या ये जो प्रिंट निकालता है वो बड़े बड़े पेपर पर, फ्लैक्स पर प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कॉल प्लॉटर। मैं प्लॉटर के संबंध में आगे भी आपको बताऊंगा, अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको प्लॉटर के संबंध में बताऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में जुड़े हैं या आगे भी जो वीडियोस आए उनको भी आप लगातार देखते हैं, आप तक उनकी जानकारी पहुंचती है, इसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ, उसी तभी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थर्ड टाइप्स ऑफ आउटपुट इज ऑडियो आउटपुट। यहाँ पर ऑडियो आउटपुट में क्या है, जैसे मैंने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बताया कि आउटपुट आपको जो है ऑन स्क्रीन दिखाई देगा, हार्ड कॉपी आउटपुट में मैंने बताया कि यहाँ पे आउटपुट आपको पेपर पर प्राप्त होगा, जबकि ऑडियो आउटपुट जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको सुनाई देगा। और सुनाई देने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, स्पीकर का उपयोग करेंगे, बूफर का उपयोग करेंगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। तो बेसिकली थ्री टाइप्स की आउटपुट होते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और ऑडियो आउटपुट। और इनको प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे मैंने बताया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर, प्लॉटर और ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर का उपयोग होता है। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे इट अबाउट द कंप्यूटर मॉनिटर, व्हाट इज कंप्यूटर मॉनिटर, व्हाट द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, प्लाज्मा स्क्रीन, दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर अवेलेबल इन द मार्केट। सो उनका क्या यूज होता है, क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उन सभी बातों को आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को देखते हैं आगे। तो कंप्यूटर मॉनिटर है क्या आपका, व्हाट इज अ कंप्यूटर मॉनिटर? सो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि आप एक पर्सनल कंप्यूटर को मॉनिटर के बिना जो है इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, इसकी जानकारी आपको मॉनिटर से ही प्राप्त होती है। मॉनिटर पे आपकी, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको पता चलता है आप क्या उस पर काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर के बिना एक कंप्यूटर की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में अगर मॉनिटर नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर काम करेगा बट उसमें क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा,
है ना। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यूजर को काम करने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता है। सो कंप्यूटर मॉनिटर एक बहुत उपयोगी डिवाइस है, इसको डिस्प्ले या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, या हम इसको VDU बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह से होता है, टीवी आप सभी के यहाँ टेलीविजन लगा होगा, तो ये देखने में टेलीविजन की तरह से होता है। यह एक आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर मॉनिटर जो है आउटपुट किस प्रकार से देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का तात्पर्य क्या होता है ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा कंप्यूटर आउटपुट जिसको स्क्रीन पर देखा जा सके बट पेपर पर ना लिया जा सके, उसको टच ना किया जा सके, ऐसा आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। सो कंप्यूटर मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रस्तुत करता है। मॉनिटर कैन बी डिवाइडेड इंटू द टू डिफरेंट कैटेगरीज, मॉनिटर को दो अलग अलग प्रकार से हम बांट सकते हैं। किस प्रकार से बांट सकते हैं? मॉनिटर बेस्ड ऑन कलर एंड मॉनिटर बेस्ड ऑन टेक्निक, यानी कि कलर पर आधारित मॉनिटर्स और तकनीक पर आधारित मॉनिटर्स, ये दो प्रकार से हम कंप्यूटर मॉनिटर को बांट सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर मॉनिटर क्या होते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर कंप्यूटर की एक इसेंशियल आवश्यक आउटपुट डिवाइस है, जिसके बिना एक पर्सनल कंप्यूटर पर यूजर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है और ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट को प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर मॉनिटर दो प्रकार के आउटपुट देता है, एक कलर मॉनिटर होता है और एक सॉरी कलर बेस्ड मॉनिटर और तकनीकी बेस्ड मॉनिटर। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कलर बेस्ड मॉनिटर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक हायरार्की दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ कलर बेस्ड मॉनिटर, जिसको अपन मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर, ये तीन प्रकार के कलर मॉनिटर होते हैं। ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये मोनोक्रोम मॉनिटर है। इट वर्क विथ ओनली टू कलर्स, जो कि मुख्य रूप से ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, इनको ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी बोला जाता है। सबसे पहले जो मार्केट में आए थे वो मोनोक्रोम मॉनिटर ही मार्केट में आए थे, उनको ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स के नाम से जाना जाता है 1970 के दशक में, या उससे भी पहले से जो मॉनिटर चल रहे हैं वो आपका जो है मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाते हैं। उसके बाद में जो आया आपका वो ग्रे स्केल मॉनिटर है, इसमें तीन कलर होते हैं, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन से ये बनता है आपका मॉनिटर। जबकि मोनोक्रोम मैंने बताया दो कलर कॉम्बिनेशन से बनता है, और ग्रे स्केल मॉनिटर आपका जो है तीन कलर कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे तीन कलर शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूं कलर मॉनिटर की, सो कलर मॉनिटर जैसा आज के टाइम में आप सभी लोग देखते ही होंगे, कलर मॉनिटर आज तो सब जगह कलर मॉनिटर ही काम करता है ना। आप कलर टीवी देखते होंगे, आपके घर पे कलर टीवी लगी होगी। सो कलर मॉनिटर और कलर टीवी इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ मॉनिटर, जिसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कलर आपको दिखाई देते हैं, कई हजार कई लाख कलर आपको जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्स आपको दिखाई देते हैं, और ये भी अलग अलग टाइम से कम ज्यादा होते रहे हैं। आज के टाइम में हम लाखों की संख्या में कलर देखते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में जो कलर मॉनिटर आया था उसमें केवल चार कलर आए थे, है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड में आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स कार्ड कौन कौन से होते हैं, वो एक मैं वीडियो बनाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं ग्राफिक्स कार्ड और मॉनिटर की विशेषताएं बताऊंगा, उसको भी आप आगे जरूर देखना, जिसमें मैं ग्राफिक्स कार्ड और मॉनिटर की विशेषताएं बताऊंगा। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर बेस्ड ऑन द कलर। सो कौन कौन से कलर मॉनिटर्स हैं आपके? मोनोक्रोम मॉनिटर अभी मैंने आपको बताया। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है आपका? जो सिंगल कलर पे आपके दो कलर आपका डिस्प्ले देता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित होता है, तो इसको मोनोक्रोम मॉनिटर बोला जाता है। ग्रे स्केल मॉनिटर की बात करें तो ग्रे स्केल मॉनिटर कौन सा होता है जिसमें तीन कलर मिलते हैं आपको? कौन कौन से कलर मिलते हैं? तीन कलर आपके ग्रे शेड के तीन कलर रहते हैं इसमें, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, ये तीन कलर आपको प्रदर्शित करता है। तो ये मॉनिटर आपका ग्रे स्केल मॉनिटर कहलाता है। प्रारंभिक जो लैपटॉप वगैरह थे उनमें ग्रे स्केल मॉनिटर का ही उपयोग होता था। इसके बाद में जो तीसरा मॉनिटर आता है डेट इज द कलर मॉनिटर।
कलर मॉनिटर में आपके रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीन कलर के कॉम्बिनेशन से कई सारे कलर्स बनते हैं और उन सभी कलर को लेकर के चलता है आपका कलर मॉनिटर। आज के कंप्यूटर मॉनिटर्स में लगभग 16 लाख कलर्स प्रस्तुत करने की क्षमता है जो कि आजकल के कलर मॉनिटर में आते हैं। बट स्टार्टिंग के, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो कलर मॉनिटर होते थे उनमें केवल 4 कलर, 16 कलर, इतने ही कलर आपके प्रस्तुत कर सकते थे वो मॉनिटर। बट आज काफी एडवांस कलर टेक्नोलॉजी आ रही है, आज तो HD का जमाना है, हाई डेफिनेशन का जमाना है ना, तो आज कई लाख कलर्स आपके प्रस्तुत होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कलर मॉनिटर समझ में आए होंगे या कलर बेस मॉनिटर समझ में आए होंगे। तीन प्रकार के मॉनिटर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, नेक्स्ट है आपका मॉनिटर बेस्ड ऑन टेक्निक, तकनीकी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। सो अगर हम तकनीकी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक मॉनिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज CRT मॉनिटर एंड नेक्स्ट इज फ्लैट पैनल मॉनिटर। दीज आर द टू कैटेगरीज जो कि हम तकनीकी के आधार पर मॉनिटर को बता सकते हैं। CRT मॉनिटर क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये भी पुराने मॉनिटर्स थे, बड़े वाले डिब्बे जो होते थे वो मैंने आपको अभी आपको ये चित्र में दिखाई दिया होगा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा लेबोरेटरीज वगैरह में, बैंक वगैरह में आज भी इनका उपयोग होता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर कौन से होते हैं? आज के जो मॉनिटर चल रहे हैं, आज आप जो देखते हो लैपटॉप में, आपके घर पे भी रखा होगा, आपकी टीवी जो है वो सब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं जो कि LCD, LED और गैस प्लाज्मा तकनीक पर आधारित होती हैं। इनको मैं आपको आगे बताऊंगा LCD क्या होती है, LED क्या होती है और गैस प्लाज्मा तकनीक क्या होती है। तो ये आपके तीन प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो प्रकार के मैंने आपको मॉनिटर बताए, CRT एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर। अगर आप ये चार्ट दे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट आपको दिखाई दिया होगा, चार्ट है इसमें आपको तकनीकी के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के CRT एंड फ्लैट पैनल एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, LCD, LED एंड गैस प्लाज्मा स्क्रीन। सो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। अगर मैं इनको देखूं, व्हाट इज द CRT मॉनिटर, आपको ये चित्र में दिखाई दिया होगा, ये CRT मॉनिटर है आपका, साइज में काफी बड़ा होता है ना। सो क्या है आपका, दिस मॉनिटर यूज अ कैथोड रे ट्यूब, द फुल फॉर्म ऑफ CRT हेयर कैथोड रे ट्यूब। CRT ट्यूब सर्टेन एन इमेज, सॉरी क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी CRT मॉनिटर जो होता है आपका उसमें CRT ट्यूब लगी होती है, वो CRT ट्यूब जो है एक इमेज का निर्माण करती है किसके माध्यम से, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम के माध्यम से, बीम का हिंदी में मतलब होता है प्रकाश पुंज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन्स के पुंज के माध्यम से जो है एक स्क्रीन पर आपका डिस्प्ले एक इमेज बन के आती है। ये आपका CRT ट्यूब है और यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन बीम आपका निकल रही है, येलो कलर की दिखाई दे रही होगी, और ये जो स्क्रीन है यहाँ पे टकराती है और इससे एक इमेज ड्रॉ होती है। तो वो कैसे होती है आपका, ये जो स्क्रीन होती है आपकी, ये क्या होता है, द स्क्रीन इज कोटेड विद वेरी थिनी फॉस्फोरस डॉट्स फ्रॉम इनसाइड, यानी ये जो स्क्रीन होती है ये अंदर की तरफ से फॉस्फोरस मटेरियल से क्या होती है, कोटेड होती है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं आपका जो है फॉस्फोरस के, और बीम के टकराने से वो जो फॉस्फोरस के कण हैं वो जलते और बुझते हैं जिसकी वजह से स्क्रीन पर एक डिस्प्ले का निर्माण होता है। ठीक है, आप अच्छे से तकनीक समझो, जब बीम टकराती है यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक गन से बीम निकलती है और वो बीम जब इस स्क्रीन पर टकराती है, ये स्क्रीन अंदर की टाइप से फॉस्फोरस के मटेरियल से कोटेड है, छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, कण हैं, उनसे जब ये बीम टकराती है, इलेक्ट्रॉन्स बीम टकराती है, तो वो कण क्या होती है, जलते और बुझते हैं। ये बीम लगातार ऊपर से नीचे इस तरीके से जिगजैग स्टाइल में आपका मूव करती है और जिससे स्क्रीन आप पर जो पिक्सल्स हैं वो जलते हैं बुझते हैं, और पिक्सल्स के लगातार जलने और बुझने से एक इमेज ड्रॉ होती है। तो ये आपको इसकी तकनीक समझनी है। एवरी बीम फॉल टेक ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी जो बीम टकराती है वो बहुत कम समय, मतलब एक सेकेंड के कुछ हिस्से में जाके स्क्रीन से टकरा जाती है। CRT इन कलर मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ 3 गन, यानी कि जो कलर CRT मॉनिटर्स होते हैं उसमें 3 गन होती हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के लिए
उपयोग में आती हैं। जैसा भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कलर मॉनिटर में आपके तीन ही कलर शामिल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, बाकी के सभी कलर जो है इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं। सो आपको सीआरटी मॉनिटर की तकनीक समझ में आई होगी, कैसे होती है, आपका कैसे काम करता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं वहां से देख लूंगा। इसका मैं आपको नोट्स भी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाऊंगा, मेरा वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ आया होगा आपको, www.sanjeevniedu.in। आप इस वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ से इसके नोट्स भी देख सकते हैं, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे सीआरटी मॉनिटर से रिलेटेड। आगे देखता हूं, मैं आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट इज फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो अभी आपने देखा होगा सीआरटी मॉनिटर का जो शेप है ये आपका कैसा होता है, ये चापाकार होता है, धनुषाकार होता है या आर्क शेप में होता है, है ना। क्वेश्चन भी बन चुका है कि आपकी सीआरटी मॉनिटर का जो आकृति होती है वो कैसी होती है, धनुषाकार आकृति होती है या चापाकार आकृति होती है, या इंग्लिश में इसको आर्क शेप बोलते हैं, आर्क शेप में होता है, ठीक है। कई क्वेश्चन इसमें आते हैं, सीआरटी का फुल फॉर्म आता है, किस मटेरियल से कोटिंग होती है ये पूछा जाता है, या मॉनिटर का शेप किसका होता है, तो वो चापाकार शेप होता है आपका, या आपका आर्क शेप में होता है। जबकि फ्लैट पैनल मॉनिटर, इसका नाम क्यों पड़ा है फ्लैट पैनल मॉनिटर, क्योंकि ये फ्लैट होता है आपका, है ना, आपको चारों तरफ से एक जैसा होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है आपका। जबकि सीआरटी मॉनिटर फ्लैट नहीं है, देखो सीआरटी मॉनिटर फ्लैट नहीं है, चापाकार इस तरह का आकृति लिए हुए है, इस वजह से ये आपका फ्लैट नहीं है, थोड़ा सही नहीं बन पाया, ये इस तरीके से लिए हुए है ये, तो ये फ्लैट नहीं है आपका, आप देख रहे होंगे इसको, है ना। और ये जो सीआरटी मॉनिटर होता है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बिग साइज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती है, बीम को जाने के लिए जगह चाहिए, तो बहुत बड़ा साइज होता है। ज्यादा बड़ा साइज होने से हैवी वेटेड होता है और जगह ज्यादा घेरता है, तो साइज में बड़ा होता है, वजन में ज्यादा होता है, जगह ज्यादा लेता है और कीमत भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हम आगे के जो मॉनिटर्स पढ़ेंगे उनकी तुलना में। बिजली की खपत ज्यादा होती है, कीमत से मतलब ये है कि जो उसका खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। हालांकि कीमत तो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में ज्यादा होती है, बट वो वन टाइम पेमेंट होता है, यहाँ पे जो बिजली खपत होती है, पावर के कंज्यूमिंग होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एलईडी, एलसीडी और गैस प्लाज्मा स्क्रीन। सो ये मैंने इसके ड्रॉबैक बताया आपको, फ्लैट पैनल मॉनिटर समझते हैं हम क्या होते हैं। सो फ्लैट पैनल मॉनिटर टेक लेस स्पेस एंड आर लाइट वेट, यानी कि कम जगह लेते हैं, हल्के होते हैं वजन में, लाइट वेटेड का मतलब होता है हल्के होते हैं, ठीक है। दीज मॉनिटर यूज मच लेस पावर देन सीआरटी, सीआरटी से कंपैरिजन है आपका, सीआरटी की तुलना में कम पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट इमिट हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ना कुछ रेडिएशन जनरेट करती है, और मॉनिटर भी उसका आपको बात नहीं है, मॉनिटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जनरेट करते हैं, बट सीआरटी की तुलना में फ्लैट पैनल मॉनिटर कम रेडिएशन जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज मच एक्सपेंसिव देन सीआरटी, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है कि ये महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू सीआरटी मॉनिटर, बट अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था आपको, महंगे होते हैं बट वन टाइम पेमेंट होता है आपका, बाकी तो जो है आपका बिजली कम लगती है, बिल कम आता है, तो खर्चा उतना ज्यादा नहीं आता है। नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर एंड सेलुलर फोन यूज फ्लैट पैनल मॉनिटर, यानी इन सभी में किसका उपयोग होता है, आजकल तो सभी जगह डेस्कटॉप वगैरह में भी फ्लैट पैनल ही आता है, लैपटॉप डेस्कटॉप सब में ही फ्लैट पैनल चल रहा है, आप सीआरटी का मार्केट तो खत्म ही हो चुका है अब, ठीक है। सो फ्लैट पैनल मॉनिटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज सच एज 15 इंच, 17 इंच, 18 इंच, 19 इंच, दीज आर द साइज ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो ये फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स कितने प्रकार के होते हैं, सो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स तीन प्रकार के होते हैं आपका, कौन कौन से होते हैं, एलईडी होता है, एलसीडी होता है और गैस प्लाज्मा स्क्रीन होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो अगर हम एलसीडी को देखें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन होता है आपका, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, ये इसकी क्या विशेषता है, अभी फ्लैट पैनल का ही है आपका। फ्लैट पैनल मॉनिटर डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ टू प्लेट्स ऑफ ग्लास, दीज प्लेट कंटेन अ सब्सटेंस बिटवीन देन, यानी जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स होता है उसमें कांच की दो प्लेट होती हैं और उनके बीच में एक पदार्थ भरा होता है, आप इस चित्र में देखे होंगे, ये दो ग्लास प्लेट्स हैं और इनके मध्य में एक पदार्थ भरा होता है,
और वो पदार्थ क्या है उसी के आधार पर फ्लैट पैनल मॉनिटर के टाइप होते हैं, ठीक है। सो द सब्सटेंस इज एक्टिव इन डिफरेंट वेज, ये अलग अलग प्रकार से एक्टिव होता है। अगर मैं एलसीडी की बात करूं तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी मॉनिटर एंड कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। इसकी मतलब एलसीडी की जो स्क्रीन होती है उसमें कांच की दो प्लेट्स के मध्य में क्या भरा होता है, लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है कांच की दो प्लेट्स के मध्य में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनता है इसमें से, पूछा जाता है, ठीक है। एलसीडी प्रोवाइड अ शार्पर पिक्चर देन सीआरटी, एलसीडी जो है वो सीआरटी की तुलना में बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर देता है और कम रेडिएशन जनरेट करता है। एलसीडी डिस्प्ले रिक्वायर लेस पावर एंड टेक अप लेस स्पेस देन सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी से ही तुलना की गई है, सीआरटी की तुलना में कम बिजली लेता है और कम जगह को घेरता है। तो ये क्या है आपका, एलसीडी मॉनिटर है। जैसे मैंने बताया कि फ्लैट पैनल मॉनिटर में कांच की दो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के मध्य में कोई ना कोई पदार्थ भरा होता है। तो अगर मैं एलसीडी की बात करूं तो एलसीडी में जो है लिक्विड क्रिस्टल पदार्थ भरा होता है आपका, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन इसका नाम है एलसीडी मॉनिटर का। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है गैस प्लाज्मा स्क्रीन। गैस प्लाज्मा स्क्रीन क्या होती है, सो गैस प्लाज्मा स्क्रीन क्या होती है, सो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यूज गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। गैस प्लाज्मा स्क्रीन में किसका उपयोग होता है, गैस प्लाज्मा तकनीक का उपयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिस टेक्निक यूज अ लेयर ऑफ गैस बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। मैंने बताया था कि दो ग्लास प्लेट्स के मध्य में कौन सा पदार्थ भरा हुआ है उसके आधार पर उसका फ्लैट पैनल मॉनिटर का टाइप डिसाइड होता है। तो यहाँ पर गैस प्लाज्मा स्क्रीन में ग्लास प्लेट्स के मध्य में प्लाज्मा गैस भरी होती है, इस वजह से इसको गैस प्लाज्मा स्क्रीन बोला जाता है। द गैस रिलीज अल्ट्रावायलेट लाइट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, जैसे ही उस स्क्रीन पर आपका वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है, पावर दी जाती है, तो जो गैस है वो अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज करती है और उस लाइट की वजह से पिक्सल्स जलते और बुझते हैं, जिनकी वजह से स्क्रीन पर एक इमेज जो है ड्रॉ होती है। गैस प्लाज्मा इज अवेलेबल इन द साइज ऑफ अप टू 150 इंचेस वाइड, यानी काफी बड़े साइज में गैस प्लाज्मा स्क्रीन मौजूद है आप वर्तमान समय में मार्केट में। सबसे बड़ी स्क्रीन साइज होता है आपका गैस प्लाज्मा का, सबसे महंगी स्क्रीन भी होती है गैस प्लाज्मा की, लगभग 150 इंच की, 150 इंच का इसका साइज रहता है गैस प्लाज्मा स्क्रीन का। इट प्रोवाइड रिचर कलर देन एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी की तुलना में बहुत अच्छी कलर क्वालिटी ये प्रस्तुत करता है, बट काफी ज्यादा महंगा होता है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे महंगा रहता है गैस प्लाज्मा। इट इज नॉट कॉमनली यूज, इट प्रोवाइड हायर डिस्प्ले क्वालिटी, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी देता है बट बहुत रेयरली यूज होता है। क्यों होता है रेयरली यूज, क्योंकि ये काफी महंगा होता है, यानी कि जहां पे आप बहुत ज्यादा अगर आपके पास में बजट है तभी आप गैस प्लाज्मा स्क्रीन खरीदते हैं, अदरवाइज आजकल तो एलईडी मॉनिटर सबसे ज्यादा कॉमन है। तो मैंने आपको एलसीडी बताया, गैस प्लाज्मा बताया, ये दो मैंने आपको मॉनिटर बताया। एक और है आपका दिस टाइप्स ऑफ मॉनिटर कैन हेल्ड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, ये जो मॉनिटर है इसको सीधे तौर पर आपका वॉल पर लगाया जा सकता है, आपका दीवार पर लगाया जा सकता है, माउंट किया जा सकता है। सो दिस इज अ गैस प्लाज्मा स्क्रीन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर। मैंने आपको एलसीडी बताया, गैस प्लाज्मा बताया, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है दो ग्लास प्लेट्स के मध्य में, गैस प्लाज्मा में प्लाज्मा गैस भरी होती है। यहाँ पर जो है आपका एलईडी मॉनिटर, इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी मॉनिटर जो है आपका इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर एंड एलईडी मॉनिटर, और एलईडी के नाम से ये जाना जाता है मार्केट में, आजकल सबसे ज्यादा यही उपयोग में आ रहा है, ठीक है। इट हैज अ वेरी शॉर्ट डेप्थ एंड इज लाइट इन टर्म ऑफ वेट, बहुत हल्का होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होता है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है आपका एलईडी मॉनिटर। द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द टिपिकल एलसीडी मॉनिटर इज बैक लाइटिंग, यानी एक एलईडी और एक एलसीडी में जो मुख्य अंतर होता है वो बैक लाइटिंग डिफरेंस रहता है दोनों के मध्य में, ठीक है। कुछ इसके एडवांटेज हम देखते हैं एलईडी मॉनिटर के, दे रन एट अ लोअर पावर टेम्परेचर एंड कंज्यूम मच लेस पावर एज फ्यू एज 20 वॉट,
यानी कि बहुत कम बिजली कंज्यूम करता है ये. इट टेक ओनली 20 वॉट पावर इलेक्ट्रिसिटी. जबकि अगर हम एक सीआरटी की बात करें तो 100 वाट या 80 वाट के सीआरटी मॉनिटर रहते हैं. तो जितने में जितनी बिजली में आपका एक सीआरटी स्क्रीन चलेगी उतने में आपका जो है यहाँ पर 4 एलईडी मॉनिटर काम कर लेंगे. और बहुत कम टेम्परेचर में भी ये काम कर सकते हैं, ये इनकी विशेषता होती है एलईडी मॉनिटर की. नेक्स्ट देखें आपका हायर डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यानी कि इसका जो है आपको देखने के जो कोण है वो बहुत अच्छे हैं. इसको किसी भी दिशा से देखा जा सकता है, आपका ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सभी तरफ से आप देख सकते हो उसको, सामने से, पीछे से. क्या पीछे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन सामने से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से आप इसको देख सकते हो. जबकि अगर हम बात करें एक एलसीडी के अंदर तो ये सुविधा नहीं है. एलसीडी में ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, आपको एलसीडी सामने से ही दिखाई देती है. तो ये आपका जो है एलईडी की विशेषता है. और अगर हम बात करें लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है इस प्रकार के मॉनिटर पर, ठीक है, और ऑफन लेस एक्सपेंसिव. और अगर हम तुलना करें किससे, आपका यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव का मतलब सस्ते होते हैं, बट ये तुलना किससे की गई है, सस्ते होते हैं गैस प्लाज्मा स्क्रीन से तुलना की गई है. गैस प्लाज्मा स्क्रीन की तुलना में ये कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, बट अगर हम कंपेरिजन करें सीआरटी से तो महंगे होते हैं सीआरटी की तुलना में. अगर हम कंपेरिजन करें एलसीडी तो एलसीडी से भी महंगे होते हैं. सो आपको मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा. आज मैंने आपको मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, है ना, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है. यदि आपको कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर से संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.